ग्वालियर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने जब अस्पताल पर जबरन पैसे ऐंठने के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप लगाया, तो आपको बताते चले कि उसके बाद फिर हंगामा काफी ज्यादा सुनाई दिया। मामला शहर की लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, जहां दुर्घटना में घायल मरीज की मौत हो गई और जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में काफी हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर की माने तो मरीज की हालत काफी क्रिटिकल थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई। भैया आपने फिल्म देखी है ना गब्बर, देखी होगी, लाशों का भी कारोबार होता है, लाशों के भी ट्रीटमेंट होते हैं। यही वो हुआ, हमसे रोज कहा कि ठीक है और कल रात में बोल दिया मर गए हैं वो। सर इनको सर्जरी करी गई थी, इनकी ब्रेन की एक्सीडेंट हुआ था, 32 साल का लड़का था। इन्होंने कहा कि केस सक्सेसफुल रहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने बार बार ये कहते रहे कि चीजें ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और दिल्ली का डॉक्टर हूँ मैं, 22 साल का एक्सपीरियंस है, रवि को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, पैरों पे चला के भेजेंगे। आप चोरी चोरी पीछे से भेज रहे हो। मांग ये है कि ये हॉस्पिटल बंद कर दे पहली चीज, और ये भरपाई करे जो हमसे लूट कसूट करी गई है। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें, मतलब एक तो मतलब जब इंसान में सुई नहीं है, वेंटिलेटर से जबरदस्ती उसको जिंदा कर रखा है, दवाई दे दे के बीपी मेंटेन किया। जब भी किसी मरीज का इलाज होता है, किसी सीरियस मरीज का इलाज होता है, तो दो चीज़ें होती हैं, मरीज अच्छा होगा या कोलैप्स करेगा, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज होगा या कोलैप्स करेगा। अब बात ये होती है कि ये पूरे प्रोसीजर में हम अपना पार्ट 100% पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये आउटकम जो है, ये कहना कि अगर पेशेंट यहाँ से 1000 पेशेंट ठीक होके गए और 10 पेशेंट अगर ठीक नहीं होके जा रहे हैं या कोलैप्स हो रहे हैं, तो इसमें ये नहीं हो सकता ना कि आप किसी को पॉइंट आउट कर दो कि भाई ये लापरवाही हुई। अब वो उनके परिजनों में जितने लोग थे, वो जितने साथ में थे, कल तक बिल्कुल शांति से सब चीज़ें मान रहे थे। अब ठीक है, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उस लड़ाई में हमने अगर हमें जीत मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार मेडिकल साइंस 2+2 4 नहीं हो सकता।